नहीं, दया गवाही नहीं देगी। हमें ये टेंशन चाहिए ही नहीं। इसमें टेंशन क्या है? अरे बापूजी, हम सीधे साधे लोग, वो चोर उचक्कों के खिलाफ गवाही देकर हमें क्यों मगजमारी में पड़ना है? ये मगजमारी, अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा होगी ही नहीं। तो फिर दिन दहाड़े तेरी दुकान में घुस के तुझे लूट लेंगे और गवाह न होने की वजह से छूट जाए। हाँ जीठा भाई, अगर ऐसा ही रहा ना तो सारे आम अपराधी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे। That's not right. अगर इसी तरह अपराध होते रहे जेठालाल, तो समाज में तो अराजक स्थिति हो जाएगी। अपराधियों में कोई डर ही नहीं रहेगा। अरे भाई, अपराधियों में किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? सजा का। और सजा देने के लिए, अपराध साबित करने के लिए कोई गवाह चाहिए। बराबर है। और जब तुम जैसे लोग ही गवाही देने से कतराएंगे जेठालाल, तो समाज और देश का आखिर क्या होगा? अरे जेठिया, देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे गर्मी ठंडी बरसात हर मौसम बर्दाश्त करके अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और तू गवाही के लिए मना कर रहा है? अरे पहले देश के लिए सोचना चाहिए, फिर खुद के लिए। बापूजी, मैं भी देशभक्त हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा दया की जान की फिक्र है, इसलिए ना कह रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा फर्ज भी तो कोई चीज है। और इस वक्त तुम्हारा फर्ज ये है जेठालाल कि तुम दया भाभी का हौसला बढ़ाओ, ताकि दया भाभी गवाही दे और उन गुंडों को पकड़ा जा सके। हाँ जेठा भाई, प्लीज। लेकिन गवाही देने के लिए दया ही क्यों? जेठालाल, पुलिस के मुताबिक अगर एक से ज्यादा गवाह होंगे तो सामने वाला वकील केस उलझा सकता है, इसलिए एक ही गवाह चाहिए जो स्ट्रॉन्गली गवाही दे सके, इसलिए दया भाभी गवाही देंगी। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। ए सॉरी, वो बाद में समझना, पहले ये समझ, शुक्रवार को बहू को नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। तू क्या चाहता है कि उसके एक दिन पहले बहू गवाही ना देकर उस सम्मान का अपमान करे? अरे मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या बहू हमारे देशभक्त खानदान का अपमान करे, अपने आत्मसम्मान का अपमान करे? समझिए ना जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, दया तू गवाही देना। थैंक यू टप्पू के पापा। बहुत बढ़िया जेठालाल, वेरी गुड। चलिए चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। चलिए मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। मैं क्या कहती हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है, तो आप सब खाना खाकर ही जाइए ना। ठीक है। क्या ठीक है? एक्चुअली दया भाभी, मैंने तारक का डाइट फूड घर पे रेडी रखा है, अगर वो यहाँ ये खा लेंगे तो वहाँ वो कौन खाएगा? वैसे भी वो कौन खाएगा, तुम खा लेना। अच्छा जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए तारक। चलिए। अच्छा चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। टप्पू के पापा, आप तो खाना खा कर जाइए। चलो, अभी नाम ले लिया है तो खा कर जाता हूँ। किधर, दया बहन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना बाबा? हे, उनके घर पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए। अरे वो देखो, चल चल। हाँ, बात कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ना अंजलि भाभी, पुलिस क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चड्डी गैंग के मेंबर्स पकड़े गए ना, तो अगले गुरुवार को दया भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है। पर दया बहन गवाही देंगी? दया भाभी जरूर गवाही दे। उस गोरेगांव इलाके में एक गोकुलधाम सोसाइटी है, इस घर में गड़ा परिवार रहता है, टोटल दो फ्लैट है। मेरे को उनकी प्रॉपर्टी के दर्शन मत करा, असल बात बता। सॉरी बॉस,
गड़ा परिवार में चार लोग रहते हैं। यह है चंपकलाल गड़ा, उम्र 62 साल, रिटायर्ड लाइफ जी रहे, और यह उनका बेटा जेठालाल गड़ा, उम्र मेरे को अपनी बहन की शादी नहीं करवानी इनके साथ, जो उम्र बता रहा है। कम टू द पॉइंट ना। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। यह उनका बेटा टिपेंद्र उर्फ टप्पू, यह उनकी वाइफ दया गड़ा, आपके साले गणिया के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये लाइट किसने चालू की? बंद। नहीं ठीक है। मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो? मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा भाई को छुड़ाने के लिए जो गवाही देने वाली है ना दया बेन, वो देख। दया बेन, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब आगे का एक्शन शुरू करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई हवालात से बाहर आ जाए। कैसे आएगा बाहर? तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना। अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे, तू प्लीज जा यहाँ से, जा। इसको भाई क्यों है? पता नहीं बॉस। जॉनी। यस बॉस। गोकुलधाम सोसाइटी जा और दया बेन को प्यार से समझा के गवाही मत देना, और अगर नहीं माने ना तो। समझ गया बॉस। लाइट बंद करो, दिखाओ। दादाजी मजा आ गया ना, बहुत दिनों के बाद हम सब ने मिलके साथ में खाना खाया। पापा आप रोज इसी तरह दोपहर को खाना खाने आया करो। आऊंगा बेटा, रोज आऊंगा। टप्पू के पापा चलो। आपसे जरा एक बात करनी है। हाँ पूछ। क्या है कि मैं कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ ना। हाँ तो? तो कौन सी साड़ी पहनूं? नॉनसेंस, तू कोर्ट में गवाही देने जा रही है और चड्डी गैंग वाले की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रही है, कौन सी साड़ी पहनूं? मम्मी, मम्मी, आपसे मिलने कोई अंकल आए। कौन है? अरे नमस्ते चंपक चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो टप्पू। हाय। अरे जेठा भाई, नमस्ते नमस्ते। दया बहन नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो हम सबको जानते हैं। फिर? लेकिन हम आपको नहीं जानते। हम आपके है कौन? सॉरी मतलब आप है कौन? हमें अपना भाई समझिए ना। मतलब आप सुंदर मीरा के दोस्त हो? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, पहले गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट? ये सुंदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा, फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसूल करेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं चाहिए गिफ्ट। लीजिए ना। हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। सुंदर हीरा का दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। दया, कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है। सही कह रहे आपके पति जी। हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉस? बॉस? सुंदर वीरा लीजिए ना। थैंक यू। अरे दया बहन, आप गुरुवार को चड्डी गैंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाने वाले हैं ना? हाँ,
जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। और कहना आपने चड्डी गैंग को चोरी करते हुए नहीं देखा। एक मिनट, तुम चड्डी गैंग के ओर से आए हो? सही जवाब। देखियो भाई साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। बिल्कुल, मैं गलत गवाही नहीं दूंगी। क्या कर रही है? अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग को डरा था। अरे भाई तू शांति रख, आप भी शांति रखिए। बस देखिए, तू देख क्या गिफ्ट देख लिया। चल कॉल। क्यों कॉल? इसमें बॉम है। तो मैं इधर खड़ा रहता। हल ए, चल दूसरा गिफ्ट खोल। हल संभल के दया। चला गोली, गोली चला। देखो मुझे काची पोची मत समझो, मैं सच में गोली चला दूंगी। चला ना। नहीं 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 नहीं, चला गोली। तो प्लास्टिक की है क्या भाई? ऐसे नकली गिफ्ट देते हो? असली गन मेरे बॉस के पास है, अगर चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही दी तो। तो क्या क्या करोगे? हमारे घर में आके हमें डराता है? टप्पू कहता है टप्पू के फैमिली को धमकी। अरे भाई तू तो शांति रख। अरे क्या शांत रे? ए भाई ए, तू इधर ही खड़ा रहे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बापूजी लगा फोन, लगा लगा पुलिस को फोन। क्या करेगी पुलिस? उठा के जेल में डालेगी ना? दो दिन में बाहर आऊंगा, दो दिन में। ये जेल में आना जाना है ना, ये हमारे लिए ससुराल में आने जाने जैसा है। ले
ये तो जेल जाने से भी नहीं डरता। ये हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को समझा ना। अभी गलत गवाही देने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है, देखो हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मैं गलत गवाही हर किच नहीं दूंगी। दया, शाबाश बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। ये अभी भी बोल रहा हूँ, समझ जाओ वरना। ए, हम लोग तेरी फालतू धमकी से डरते नहीं है। अरे टप्पी, तू शांत रह, शांत रह। और भाई आप भी शांत रहिए। देखिए दिख रहा है, तुम लोगों का भविष्य मुझे दिख रहा है। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। देखा देखा बाबूजी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि चड्डी गैंग के खिलाफ हमें गवाही देने की मगजमारी में नहीं पड़ना है। देखा आ गया ना चड्डी गैंग का आदमी यहाँ घर पे धमकी देने के लिए। तो क्या? अरे मेरे दादाजी अंग्रेजों से नहीं डरे और तू इस दो कोड़ी के गुंडे से डर रहा है। और मेरी बात कहती है कि जो सच्चे होते हैं उसे किसी से नहीं डरना चाहिए। हाँ पापा, लाइफ जियो तो एक सुपर हीरो की तरह जो किसी से नहीं डरता। हे भगवान, बापूजी और दया तो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी गुंडों से ज्यादा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहा है, क्या करूं? दोस्तों आपने कभी रस्साकशी का खेल खेला है? खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। कल्पना कीजिए कि रस्साकशी के खेल में एक तरफ हिरन हो और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हाथी हो, तो क्या हाल होगा हिरन का? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला। भाई क्यों ना होगा ऐसा, जेठालाल के परिवार पे अभी कर्तव्य परायणता का भूत जुनून सवार है। और जेठालाल जो है व्यापारी आदमी है, वो नहीं चाहते कि किसी मुसीबत में पड़े। परिवार चाहता है कि गवाही दी जाए, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि इस मुसीबत का सामना ना किया जाए। लेकिन जेठालाल की चलने वाली नहीं है बाबूजी के सामने। अब सोचिए कि सैंडविच बन गए हैं जेठालाल। अब इस मुश्किल से बचने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जेठालाल का हाल बड़ा बुरा है और इस हाल से बाहर निकलने के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे। और जितने प्रयास वो करेंगे आप हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।